हाँ जी, मैं आपके साथ नोट शेयर कर रही हूँ। विजिबल है सभी को? यस यस मैम, मैम। यस मैम। हमने ईआर मॉडल जो है वो स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने पहले ईआर मॉडल के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। थ्री टाइप्स ऑफ कंपोनेंट हम इसके अंदर यूज करते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। फर्स्ट इज एंटिटी। एंटिटी में हमने पढ़ा कि एंटिटी क्या है, एंड एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डाटा। कंपोनेंट है किस चीज का, डाटा का, जिसको आप किससे शो करते हो, एक स्क्वायर बॉक्स से, रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ इसको शेयर करते हो। इसकी एक टाइप होती है वीक एंटिटी। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट कितनी तरह के होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड और ड्राइव एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशनशिप क्या होती है। रिलेशनशिप कितनी तरह की होती है। रिलेशनशिप फोर टाइप की होती है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। फोर टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपने कल पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद हमने इससे आके जो किया था वो था फैक्ट्स अबाउट ईआर मॉडल, ठीक है। आज हम कर रहे हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आपको भी पता है जब भी आप कोई भी नई चीज कंप्यूटर के अंदर यूज करना शुरू करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज भी होती है और उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। इसी तरह से जो आप ईआर मॉडल आप कर रहे हो उसमें भी कुछ उसके एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इजी कन्वर्जन फॉर ईआर टू अदर डाटा मॉडल। अगर आप कोई भी अदर डाटा मॉडल के साथ ईआर को कनेक्ट करते हो तो कन्वर्जन जो है वो काफी इजी होता है। कन्वर्जन फ्रॉम ईआर डायग्राम टू ए नेटवर्क और हायरार्किकल डाटा मॉडल कैन इजीली बी अकम्प्लिश्ड। यानी कि क्या है, उनको आपस में कनेक्ट करना, उनका कन्वर्जन जो है उसको अकम्प्लिश करना वो काफी आसान होता है। सेकेंड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। द ईआर मॉडल गिव ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एंटिटी। जो ईआर मॉडल है वो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है कि आप ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग एंटिटीज की कर सकते हो। इट्स एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। ये क्या करता है, इसके एट्रीब्यूट और एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। दिस इज देन टर्न हेल्प इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर एंड द मिनिमाइज अदर प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, जो रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, कई बार आप जब कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा सेव करके रखते हो तो उसकी अलग अलग कॉपी अलग अलग जगह पे जाके सेव हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। तो ये क्या करता है, जब आप इसकी ईआर मॉडल को यूज करते हो तो रिडंडेंसी कंट्रोल हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। यानी कि आपके कंप्यूटर का जो स्पेस है वो अच्छे से ऑक्यूपाई होता है क्योंकि डाटा जो है एक ही जगह पे जाके सेव होता है, तो इसलिए कोई और प्रॉब्लम इसके अंदर अकर नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट इज वर्चुअल रिप्रेजेंटेशनल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो काफी इफेक्टिव होता है। इंटीग्रेशन विद द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। और ये क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है किसके बीच में, रिलेशनल डाटा मॉडल के बीच में। तो ये तो होगा इसकी एडवांटेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ ईआर मॉडल। अगर किसी चीज के अंदर एडवांटेज होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती है, तो आपको दोनों के ऊपर ध्यान रखना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, कि ईआर मॉडल के डिसएडवांटेज क्या होती है। फर्स्ट वन इज नो इंडस्ट्री स्टैंड फॉर नोटेशन। यानी कि क्या है, नोटेशन के लिए किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नहीं है। देयर इज नो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर डेवलपिंग एन ई आर डायग्राम। जब अगर आप कोई ई आर डायग्राम डेवलप करते हो तो किसी भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकता, नोटेशन नहीं क्रिएट कर सकता। देन इज पॉपुलर फॉर हाई लेवल डिजाइन। यानी कि ई आर डायग्राम जो है वो काफी पॉपुलर है, किस लिए, क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग है वो काफी हाई लेवल की होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेड कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंटेशन। इसके जो कॉन्स्टेंट होते हैं लिमिट में ही उनको रिप्रेजेंट करने के बाद आप रिजल्ट तक पहुंच जाते हो। लिमिटेड रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन। अब जब कॉन्स्टेंट को आप लिमिटेड रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशनशिप भी आपका लिमिटेड हो जाता है। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कई बार इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो जाती है। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मैनिपुलेशन। यानी कि अगर डाटा को आप मैनिपुलेट करना चाहते हो तो उसकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं। तो ये है आपका ईआर मॉडल जिसके अंदर हमने इसके बारे में सारा पढ़ा, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा। अब मुझे ये बताओ जितना किया है वहां तक आपको क्लियर समझ में आया है या नहीं आया। हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ में आया है, यस मैम, सारा क्लियर है जितना अभी तक करवाया है, ईआर डायग्राम पूरा समझ में आ गया।